कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, तो जाहिर है कि उस प्रांत की जो आबोहवा है, उस प्रांत की जो भाषा है, उस प्रांत का जो संगीत है, उस सब का उस पर असर होगा, क्योंकि हमारी कलाएं हमेशा अपने आसपास का, वहाँ का जो भी वातावरण है, चाहे वो राजनीतिक है या आर्थिक है या सांस्कृतिक है, उसकी झलक उसमें दिखाई देती है। तो कथक, जिसकी भाषा हिंदी है और जिसका संगीत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है, तो मैं ये आपको बता देती हूँ साथ में कि दो तरह के शास्त्रीय संगीत हमारे हिंदुस्तान में हैं, एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और एक दक्षिणी कर्नाटक संगीत। तो क्योंकि ये उत्तर भारत से है, तो यहाँ पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का इस्तेमाल होता है। इसका मतलब जितनी भी सांगीतिक कंपोजिशंस इसमें होते हैं, वो सब उन शास्त्रीय रागों पर आधारित करके बनाए जाते हैं। अगर हम देखें कि और शास्त्रीय नृत्यों से कैसे अलग है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें, बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो कथक को दूसरी शास्त्रीय नृत्य शैलियों से बिल्कुल अलग कर देते हैं। अगर मैं बिल्कुल शुरू से अगर बताऊं आपको कि सबसे ज़्यादा घुंघरू इसमें पहने जाते हैं, इतने घुंघरू किसी और नृत्य शैली में नहीं पहने जाते। जैसे सबसे कम घुंघरू कथकली में पहने जाते हैं, सिर्फ एक लाइन ही रहती है, एक पंक्ति बस, या मणिपुरी में केवल पायल पहनी जाती है, बाकी सब में एक बेल्ट से लगा के घुंघरू पहने जाते हैं, जबकि कथक में रस्सी से बंधे हुए घुंघरू पहने जाते हैं, और उसकी कम से कम 8 या 9 लाइंस आपके पैर पर होती हैं, तो काफ़ी 100-150 घुंघरू एक पैर में पहने जाते हैं, क्योंकि उसमें तत्कार का बहुत काम है। तत्कार क्या है? तत्कार पैरों का काम है, क्योंकि पैरों का काम जितना ज़्यादा है, वो उन घुंघरू से आप तक पहुँच जाता है। दूसरी बात, इसमें भाषा, यहाँ की भाषा हिंदी है। बाकी जैसा मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि हर प्रांत से अलग अलग शास्त्रीय नृत्य अगर आए हैं, तो वो वहाँ की भाषाएं अपने साथ लेकर आए हैं। जैसे भरतनाट्यम में तमिल और संस्कृत, कुचिपुड़ी में तेलुगु, और संस्कृत ऐसी भाषा है जो हम सारे शास्त्रीय नृत्य शैलियों के अंदर समान रूप से पाई जाती है। तो हम संस्कृत के श्लोक का इस्तेमाल करते हैं, तो संस्कृत की बहुत सारी कविताओं का इस्तेमाल करते हैं। उत्तरी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का यहाँ इस्तेमाल होता है, तो उसकी जितनी गायन शैलियाँ हैं, जैसे उसमें अब ध्रुपद है, ठुमरी है, दादरा है, भजन है, तराना है, इन सब का इस्तेमाल, मतलब इन सब पर अभिनय होता है। जबकि दूसरी शास्त्रीय नृत्य शैलियों में जो वहाँ की गीति है, उन पे काम होता है। कथक के जितने पोजिशंस हैं, उनके पैरों को रखने की जो पोजिशन है, वो बिल्कुल बहुत कुछ मिलती है जो हमारा एक नॉर्मल खड़े होने का तरीका है कि एक आदमी, एक व्यक्ति एक कैसे खड़ा होता है, तो उसके पैर ऐसे रहते हैं, और लगभग वैसे ही पैर हम लोग कथक नृत्य में अपने पैर जमीन पे रखते हैं, और शायद इसी वजह से इसमें इतनी गति भी बन जाती है। दूसरे सारे डांस फॉर्म्स में पैरों की पोजिशन थोड़ी दूरी पर जाती है, या थोड़े पैर छितरा जाते हैं इस तरह से करके। कथकली में पैर बिल्कुल आपको पैरों की साइड उस पर खड़े होते हैं नर्तक जितने हैं, तो ये भी एक अलग बात है। कथक का जो कॉस्ट्यूम है, दो तरह के कॉस्ट्यूम्स पहने जाते हैं, एक लहंगा और दुपट्टा है, दूसरा अंगरखा और चुन्नी है। तो ये दोनों, क्योंकि कथक अकेली ऐसी नृत्य शैली है जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सभ्यताओं का उसमें समावेश दिखाई देता है, क्योंकि ये दोनों तरह के दरबारों में पली और बड़ी है। लखनऊ में अगर नवाब थे, तो राजस्थान में राजा थे, महाराजा थे, तो वो सभी, सारा इन्फ्लुएंस आपको नृत्य शैली में दिखाई देता है। उसी तरह की जैसे अब तराना होता है, या ठुमरी होती है, या गज़ल होती है, तो ये सारे जितनी शाब्दिक संपदा आई है, वो दरबार के समय से हमारे इस नृत्य में आ गई है। तो ये जो नृत्य शैली है, ये इस तरह से समृद्ध हो गई कि इसमें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत आ गया, इसमें हिंदी भाषा की और हिंदी की बोलियों की कविताएं आ गई, इसमें जितनी गायन शैलियां हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की, उस पर अभिनय की बात आ गई, और इसका पहनावा बिल्कुल अलग हो गया, तो इसके बोल भी बिल्कुल अलग बने, जिस पे हम लोग फिर बात करते हैं।